नमस्ते सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अब डीआरडीओ अग्नि प्राइम के एक नए वर्जन पर काम करने जा रहा है जो कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है। दरअसल पिछले साल अग्नि प्राइम का पहली बार परीक्षण किया गया था और अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की यानी कि अग्नि सीरीज की मिसाइलों की एक नई पीढ़ी है जो पुरानी अग्नि 2 की जगह लेगी। अग्नि प्राइम की सबसे बड़ी बात ये रही कि इसने कई सारी तकनीकों को मान्य भी किया जिसका इस्तेमाल अब नेवल कैरियर ग्रुप के जरिए एक कैरियर किलर रोल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि डीआरडीओ ने अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है और नई मिसाइल की ASBM यानी कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं के बारे में पुष्टि नहीं की है। हालांकि डीआरडीओ का मानना है कि एक नया संस्करण वो विकसित करना चाहता है जो हमारे मीडियम और बड़े नौसैनिक जहाजों पर 1500 से 2000 किलोमीटर की सीमा तक हमला करने में उन्हें सक्षम बना सके। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय समुद्र तट से कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि 2 मैनुअल रीएंट्री व्हीकल्स यानी कि MARV एंटी शिप वॉरहेड के साथ 11 टन कैनिस्टर मिसाइल का उपयोग भारत की समुद्र में ताकत को बढ़ा देगा और ये किसी भी तरीके के दुश्मन के एंटी एक्सिस और एंटी डिनाइल यानी कि A2/AD को लागू करने की किसी भी योजना को बाधित कर सकता है। वहीं डीआरडीओ पहले से ही एक जहाज आधारित संस्करण को विकसित करने के लिए कदम उठा रहा है जिसे कि फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर अपनाया जा सकता है ताकि एक विमान वाहक समूह का उपयोग करके नौसेना की नाकाबंदी को लागू करने के किसी भी प्रयास को रद्द किया जा सके। इससे पहले नौसेना के लिए 2018 में डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एक नौसैनिक जहाज से 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ अपनी परमाणु सक्षम धनुष बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। धनुष भारत की स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी मिसाइल का एक नौसैनिक संस्करण है और ये भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंदर आता है जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है यानी कि उद्देश्य है इसका एंटी शिप रोल निभाने के लिए। धनुष मिसाइल की एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को मान्य करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर बनाया जा रहा है और इसी को ही डीआरडीओ अपनी अग्नि प्राइम एंटी सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में बनाने जा रहा है जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। और ये न केवल भारत के लिए एक गेम चेंजर भी होगा बल्कि एंटायर इंडियन ओशियन रीजन में भारत को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। और अग्नि प्राइम पहले से ही किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली को पछाड़ सकती है और मिसाइल का जहाज आधारित संस्करण न केवल इसे अतिरिक्त रेंज देगा बल्कि सैन्य और नौसेना सुविधाओं पर हमला करके किसी भी दुश्मन की नौसेना के प्रयासों को विफल करने में सहायक होगा। यानी कि भारत का डीआरडीओ अग्नि प्राइम की एक नई सीरीज पर काम करने जा रहा है जो कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिन्हें की भारतीय नौसेना के मीडियम और बड़े जहाजों पर लगाया जाएगा जिससे कि नौसेना के इन जहाजों की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक हो जाएगी और निश्चित रूप से एक गेम चेंजर होने वाली है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।